हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे रखा है पेन और यहाँ पे मैंने लिए कुछ मखाने, कुछ किशमिश और काजू के टुकड़े। ये डालते हैं इसके अंदर, गैस को करते हैं ऑन और गैस को रखेंगे फ्रेंड्स हम मीडियम, ये देखिए, और इनको हल्का सा रोस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को डालते हुए यहाँ पे मैंने लिया है कुछ पोहा 2 चम्मच और 1 चम्मच के करीब है कच्ची मूंगफली। तो इनको भी हम लगातार चलाते हुए रोस्ट करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, चलाते हुए इन्हें 1.5 मिनट हो चुकी है और गैस करते हैं बंद और इन्हें ठंडा करते हैं। देखिए, ठंडे हो चुके हैं और मखाने कितने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। यहाँ पे लिया है मैंने मिक्सी का जार, ये डालते हैं इसके अंदर और इसका हम महीन पेस्ट तैयार करते हैं। फ्रेंड देखिए, हमने इसे महीन पेस्ट तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पे दोबारा से पैन रख दिया है गैस पे, जिसमें हमने ये बादाम और पोहा मूंगफली रोस्ट करे थे। अब हम डालते हैं यहाँ पे पानी। तो फ्रेंड, गैस ऑन कर दी है, हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। अब हमने जो पेस्ट तैयार करा था वो डालते हैं इसके अंदर और इसे अब चलाते रहेंगे हम 1-1.5 मिनट तक। चलाते हुए करेंगे क्योंकि नीचे ना लग जाए। और इसमें 1 इंच डालते हैं नमक और फिर चलाते हैं इसे। हम इस तरह चलाते रहेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स। इसमें हम 2-3 बूंद डाल देते हैं देसी घी की, ये देखिए देसी घी डाल दिया है। ये देसी घी हमारी 1 से 1.5 मिनट तक बनकर तैयार है। फ्रेंड्स देखिए, ये अच्छे से बन गई है और गैस करते हैं बंद और इसे खाने के लिए करते हैं सर्व। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी ये बेबी फूड बनके तैयार है। आप इस तरह से अपने बच्चे को मखाने खिला सकते हैं। वैसे तो बच्चे खाएंगे नहीं और ये हेल्थी भी रहेगी और आपका बच्चा स्वस्थ भी रहेगा। आप 1-1.5 साल तक के बच्चे के लिए बना रहे तो इस तरह की लिक्विड रख सकते हैं और बड़ों के लिए बना रहे तो थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा गाढ़ी चीज़ खाएंगे नहीं। इसे आसानी से आप इसे खिला सकती हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं हम अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।